लाहौर में कोरोना का एक और मरीज, वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 5 हो गई। बरतानिया से आए खानदान के 3 अफराद भी वायरस से मुतासर। न्यू हॉस्पिटल में दाखिल मरीज भी लंदन से वतन वापस पहुंचा था। पंजाब भर में कन्फर्म मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा। जेर निगरानी मुश्तबा मरीज भी बढ़ने लगे। सूरत हाल मजीद संगीन हो गई। पंजाब हुकूमत ने तजारती कारोबारी सरगर्मियां महदूद कर दी। बड़े शॉपिंग मॉल्स, दुकानें और रेस्टोरेंट्स रात 10 बजे तक बंद कर दिए जाएंगे। वजीर आला की जेर सदारत एपेक्स कमेटी इजलास में अहम फैसले। जरूरी सेवा दीगर को घरों पर रहने की हिदायत। मरी को सयाहों के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। कोरोना खदशात के सबब ताजिर बरादरी ने 10 बजे मार्केट्स बंद करने के फैसले की हिमायत कर दी। मौकफ इख्तियार किया कि मोहल्ले के वायरस के तदारुक के लिए हुकूमत के साथ हैं। अगर 6 बजे भी दुकानें बंद करने का कहा गया तो कर देंगे। पुलिस ने अकबरी मंडी आज से 5 अप्रैल तक बंद करने का नोटिस जाली करार दे दिया। पुलिस तर्जुमान ने अकबरी मंडी इंतजामिया को ऐसे किसी भी नोटिस के इजरा की तरतीब कर दी। नाजायज मुनाफाखोर शहरियों की एहतियाती तदाबीर में हाल। फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर की कुछ साख्ता किल्लत, शहरी तलाश में दर भदर। सफाक माफिया कारोबार के नाम पर तजोरियां भरने में मसरूफ। मुख्तलिफ इलाकों में फेस मास्क 40 से 50 और सैनिटाइजर 350 से 600 रुपए तक फरोख। मार्केट में महंगे दामों गैर मयारी सैनिटाइजर की भी भरमार। कोरोना वायरस से निमड़ने के लिए वेंटिलेटर्स, हिफाजती किट्स और आइसोलेशन के इंतजाम। महकमा सेहत ने पंजाब हुकूमत से 11 अरब की डिमांड कर दी। संगीन सूरत हाल के बावजूद महकमा खजाना ने तहा सिर्फ 23 करोड़ रुपए जारी किए। टीचिंग हॉस्पिटल्स में हिफाजती इंतजाम नामुकम्मल। यंग डॉक्टर्स कोरोना के खौफ का शिकार। इंडोर और आउटडोर में बड़ी तादाद ड्यूटी से गायब। मरीज परेशान, इलाज मुआलजे के लिए मसीहाओं की राह तकने लगे। कोरोना वायरस के बढ़ते खदशात पर वकला को भी तश्वीश। 5 अप्रैल तक सिर्फ फौरी और अहम मुकदमात में पेश होने का फैसला। हाईकोर्ट बार ने चीफ जस्टिस हाईकोर्ट और जजेस को सर्कुलर अरसाल कर दिया। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने मोहल्ले के वायरस से बचाव के लिए हिफाजती इकदाम का दायराकार वसी कर दिया। अंदरून मुल्क मुसाफिरों की भी स्क्रीनिंग शुरू। बढ़ते खदशात से फिजाई सफर भी मुतासर। आने और जाने वाली 25 प्रवासें मंसूख। 3 तखीर का शिकार। मंसूख परवाजों में दमाम, अबू धाबी, कवैत, जद्दा, रियाज, ओस्लो, बहरीन और कुआलालंपुर की फ्लाइट्स शामिल हैं। हॉस्पिटल्स की बजाय घरों में चेकअप का मंसूबा। कोरोना टेलीमेडिसिन और हेल्पलाइन का अफ्तिताह। गवर्नर पंजाब का यूएचएस में तकरीब से खिताब। एप्टमा के ग्रुप लीडर गोहर एजाज बोले, मुश्किल सूरत हाल में पूरी बिजनेस कम्युनिटी हुकूमत के साथ खड़ी है। कोशिश करेंगे शहर में कोई भी बच्चा भूखा ना सोए। जितने केसेस रिपोर्ट हुए सबको खुराक मुहैया करेंगे। सूबाई जिले से है डॉक्टर यासमीन राशिद की जिले सदारत अहम इजलास। टीचिंग हॉस्पिटल्स में कोरोना वायरस से निबड़ने के लिए तिब्बी सहूलियात का जायजा। मुश्तबा मरीजों की देखभाल के लिए उठाए इकदामात बारे ब्रीफिंग। वजीर सेहत पंजाब की शहरियों से गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलने की अपील कर दी। कोरोना वायरस से बचाव के लिए बड़ा फैसला। तमाम जमातों के इम्तिहानात 1 जून तक मुलतवी। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद का ट्वीट। कहा, बच्चों का तहफ्फुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। हालात का जायजा लेकर इकदाम किए जाएंगे। कोरोना वायरस खदशात के सबब जेलों से कैदियों की रिहाई के लिए समात। हाईकोर्ट का दरखास्त में अदलिया मुखालिफ जुबान पर एतराज। दरखास्त गुजार के खिलाफ तोहीन अदालत का शौक और चारी। कार्रवाई के लिए फुल बेंच तश्कील देने की सिफारिश। नामजद चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने तोहीन अदालत की कार्रवाई के लिए जुमे की तारीख मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट मामून रशीद शेख के एजाज में अलविदाई तकरीब। नामजद चीफ जस्टिस कासिम खान ने दिग्गज जजेस के हमराह मामून रशीद शेख को फूलों के साथ अलविदा कहा। कोरोना खदशात के सबब रिटायर्ड चीफ जस्टिस का जजेस से फर्दन फर्दन मिलने से गुरेज। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट जस्टिस मामून रशीद शेख की मुद्दत मुकम्मल। रिटायरमेंट पर चीफ जस्टिस मामून रशीद शेख के एजाज में
फुल कोर्ट रेफरेंस, नामजद चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान समेत हाईकोर्ट जजेस, एडिशनल अटर्नी जनरल, कायम मकाम एडवोकेट जनरल, दीगर लॉ अफसरान और वकला क्यादत की शिरकत। पीएमएस एसोसिएशन का इलामती योम सयाह, अफसरान का बाजों पर सयाह पट्टियां बांध कर एहतजाज, पंजाब हुकूमत से मुतालबात की मंजूरी का मुतालबा। रायवंड मॉडल बाजार में होदनाक आतिशबाजी से करोड़ों का नुकसान, 30 से ज्यादा दुकानें जलकर खाकिस्तर, 10 को मामूली नुकसान पहुंचा, फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों के साथ कार्रवाई करके आग पर काबू पाने की कोशिश, आग लगने की वजूहात से मुतल्लिक इंक्वायरी जारी है। लाहौर स्टेशन पर कराची से आने वाली कराक्रम एक्सप्रेस को हादसा, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर ट्रेन की एसी कोच पटरी से उतर गई, रेलवे हुकाम का हादसे में बोगी के तमाम मुसाफिर महफूज रहने का दावा, ट्रेन की बहाली के लिए काम जारी। मुजरे सेहत गिजाओं से बचाने के लिए फूड अथॉरिटी मुतहर्रिक, करौल घाटी में कार्रवाई, 6000 किलो जाले मुजरे सेहत मसाले कब्जे में लेकर हाजी सिद्दीक ग्राइंडिंग यूनिट सील कर दिया, टीम ने गुजरावाला से लाहौर लाए जाने वाले 15000 गंदे अंडों की खेप भी पकड़ ली, गंदे पानी सब्जियों की अफजाइश के खिलाफ भी कार्रवाई, हडियारा गांव में 10 एकड़ पर खड़ी तरबूज की फसल तल्फ कर दी, गंदा पानी फराहम करने वाले 20 ट्यूबवेल्स भी मिसमार। अरबसपुरा में जनरल स्टोर पर डकैती की वारदात, 3 डाकों की कार्रवाई, स्टोर मालिक और खरीदारों से गन पॉइंट पर 61,000 नकदी और 3 मोबाइल फोन छीनकर फरार, सीसीटीवी फुटेज मौसूल। चोरी डकैती की वारदातों में मुसलसल इजाफा, थाना ग्रीन टाउन की हदूद में चोर घर के बाहर से मोटरसाइकिल लुड़ा ले गए, वारदात की सीसीटीवी फुटेज के बावजूद पुलिस ने तहाल मुकदमा दर्ज नहीं किया। कोरोना वायरस से घबराना नहीं लड़ना है, वायरस को हराने की ताकत आवाम के अपने हाथ में है, मुस्लिम लीग कासिर अहमद मोने सलाही का कोरोना वायरस पर वीडियो बयान, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के लिए शहरियों पर जोर। वज़ीरे इत्तला'आत पंजाब का खुसूसी अफराद से मुतल्लिक मुतनाज़े बयान पर ताहिर शर्ती भी भड़क उठे, चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल की खुसूसी अफराद के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट, कहा वजीर साहब अपना इलाज करवाएं, ये मासूर नहीं, इनको मासूर कहने वाले दरअसल मासूर हैं। और शहीद एएसआई नाजिर अली की 42वीं बरसी, एसएचओ बागबानपुरा शहीद की आखिर रामगाह पर हाजिर, फातिहा खानी, फूल चढ़ाए, पुलिस दस्ते ने सलाम पेश की, शहीद नाजिर अली बतौर इंचार्ज चौकी पार्टी गेट 1978 में दौरान दहशतगर्दी के फायरिंग का निशान बने। अरबसपुरा में जनरल स्टोर पर डकैती की वारदात, 3 डाकों की कार्रवाई, स्टोर मालिक और खरीदारों से गन पॉइंट पर 61,000 नकदी और 3 मोबाइल फोन छीनकर फरार, सीसीटीवी फुटेज मौसूल। चोरी डकैती की वारदातों में मुसलसल इजाफा, थाना ग्रीन टाउन की हदूद में चोर घर के बाहर से मोटरसाइकिल लुड़ा ले गए, वारदात की सीसीटीवी फुटेज के बावजूद पुलिस ने तहाल मुकदमा दर्ज नहीं किया। कोरोना वायरस से घबराना नहीं लड़ना है, वायरस को हराने की ताकत आवाम के अपने हाथ में है, मुस्लिम लीग कासिर अहमद मोने सलाही का कोरोना वायरस पर वीडियो बयान, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के लिए शहरियों पर जोर। वज़ीरे इत्तला'आत पंजाब का खुसूसी अफराद से मुतल्लिक मुतनाज़े बयान पर ताहिर शर्ती भी भड़क उठे, चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल की खुसूसी अफराद के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट, कहा वजीर साहब अपना इलाज करवाएं, ये मासूर नहीं, इनको मासूर कहने वाले दरअसल मासूर हैं। और शहीद एएसआई नाजिर अली की 42वीं बरसी, एसएचओ बागबानपुरा शहीद की आखिर रामगाह पर हाजिर, फातिहा खानी, फूल चढ़ाए, पुलिस दस्ते ने सलामी पेश की, शहीद नाजिर अली बतौर इंचार्ज चौकी पार्टी गेट 1978 में दौरान दहशतगर्दी के फायरिंग का निशान बने। अरबसपुरा में जनरल स्टोर पर डकैती की वारदात, 3 डाकों की कार्रवाई, स्टोर मालिक और खरीदारों से गन पॉइंट पर 61,000 नकदी और 3 मोबाइल फोन छीनकर फरार, सीसीटीवी फुटेज मौसूल।
चोरी डकैती की वारदातों में मुसलसल इजाफा। थाना ग्रीन टाउन की हदूद में चोर घर के बाहर से मोटरसाइकिल उड़ा ले गए। वारदात की सीसीटीवी फुटेज के बावजूद पुलिस ने तहाल मुकदमा दर्ज नहीं किया। कोरोना वायरस से घबराना नहीं, लड़ना है। वायरस को हराने की ताकत आवाम के अपने हाथ में है। मुस्लिम लीग काफ़िर रहमान मोने सलाही का कोरोना वायरस पर वीडियो बयान। एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के लिए शहरियों पर जोर। वज़ीर इत्तला'आत पंजाब का खसूसी अफराद से मुतल्लिक मुतनाज़े बयान पर ताहिर शर्ती भी भड़क उठे। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल की खसूसी अफराद के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट। कहा वजीर साहब अपना इलाज करवाएं, ये मासूर नहीं, इनको मासूर कहने वाले दरअसल मासूर हैं। और शहीद एएसआई नाजिर अली की 42वीं बरसी। एसएचओ बागबानपुरा शहीद की आखिर आरामगाह पर हाजिर। हाथिया खानी फूल चढ़ाए, पुलिस दस्ते ने सलामी पेश की। शहीद नाजिर अली बतौर इंचार्ज चौकी पार्टी गेट 1978 में दौरान दहशतगर्दी के फायरिंग का निशाना बने।